सॉर्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले आपको टेबल को लेना है। तो इसका काम होता है जैसे बढ़ते क्रम में लिखना और घटते क्रम में लिखना। उसके लिए बढ़ते, जैसे आपको कोई कह दे रिजल्ट निकालना है और रिजल्ट को बढ़ते क्रम में आपको देना है, तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, किसी को आ गया 365, 366, 367, इस तरह से क्या हुआ, बढ़ते क्रम हो गया। लेकिन घटते क्रम क्या हुआ, 395, 394, 392, ये क्या हो गया, घटते क्रम। तो आपको यदि इसमें टेबल बना हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है, रोल नंबर भी है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेम के साथ, आपको कोई कह दे ये तो सीरियल है नहीं, कोई ज्यादा है कोई कम है, तो ये 500 मार्क का एग्जाम है और ये ओबीडियंट मार्क जो है आपको कितना आ गया, इतना आ चुका है, तो इसको बढ़ते क्रम में हम लोग कैसे लिखे। तो सबसे पहले ये जो आपका मार्क है देखिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट कैसे करना है, इसको सेलेक्ट पकड़ के खींचिएगा तो तब पर भी सेलेक्ट होगा, अन्यथा पूरे को, यदि 5000 रिजल्ट निकालना, 5000 स्टूडेंट है तो डायरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करने में आपको बहुत समय लगेगा, तो उसको समय को बचाने के लिए हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिएगा जब कर्सर है, देखिए कर्सर चल रहा है और जो माउस पॉइंटर है, ये माउस पॉइंटर है, इसको जैसे ही इसके पट्टी पे ऊपर में ले जाते हैं तो तीर बन जाता है, नीचे की वो तीर बन जा रहा है, देख रहे हैं ना, तीर बन जा रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है आपको नीचे की ओर इस कॉलम को क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट जैसे ही कीजिएगा तो ये सेलेक्ट हो चुका है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर में 1, 2, 3, 4 ये आपको दिखाने के लिए हमने बना दिया है, ठीक है। इसको करना क्या है, सीरियल नंबर तो आपको 5000, 10000 भी रिजल्ट हो सकता है, तो उसके लिए आपको सीरियल नंबर नहीं भी दीजिएगा तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि हम तो आपको दिखाने के लिए सीरियल नंबर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर उल्टा पुल्टा हो जाएगा, जैसे आपको 217 है तो ये कम अंक है तो ये ऊपर चल जाएगा, सबसे कम वाला, तो ये 4 नंबर भी उठ के चल जाएगा, तो इसीलिए इसको खाली ही रखना है, मतलब इसमें कुछ भरना नहीं है। बाद में जब अपडेट कर लीजिएगा, आपको क्या करना है, जैसे इसको अपडेट करने का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, बढ़ते क्रम में लिख लीजिएगा तब नंबर भी दीजिएगा, ठीक है। तो नंबर बाद में देना होता है। आप लोग को ये परिवर्तन कैसे करता है वो देखिए, यहाँ पे शॉर्ट है, इसको सेलेक्ट किए, शॉर्ट पर क्लिक किए, जैसे ही शॉर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बॉक्स दे देगा। इस बॉक्स में कुछ करना, यहाँ पे देख लेना है किस तरह से आपको इसको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे असेंडिंग में है, ये ध्यान में रखना है, असेंडिंग रहना चाहिए तब क्या होगा, बढ़ते क्रम में लिखाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा टोटल बदल गया, देखिए 217 सेलेक्ट भी हो चुका है, नाम भी बदल गया, मोहित था सबसे नीचे तो रोहित आ गया। कहने का मतलब हुआ बढ़ते क्रम में हो गया, पहले 217, पहले 217, उसके बाद 275, उसके बाद 355, 395, यानी कि बढ़ते क्रम में हो गया। तो इससे क्या हुआ, नाम भी आपका चेंज कर गया है, रोल नंबर भी चेंज हो गया है, नहीं तो पता चलेगा मोहित का रोहित में, रोहित का मोहित में, ना रोल नंबर यानी कि अंक चले गया, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। ये समझ गए सॉर्ट का काम क्या होता है। अब डिसेंडिंग में जैसे ही करेंगे, डिसेंडिंग का करने का मतलब हुआ, सो इसको हम फिर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिसेंडिंग और यहाँ पे डिसेंडिंग करके ओके कर देना है, तो फिर अपोजिट हो जाएगा। तो देखिये असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे ही किए तो यहाँ पे फिर गलत हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रोल नंबर के साथ आपको उलट गया है, उल्टा है कि नहीं, तो ये रोल नंबर के साथ क्यों उलट गया, क्योंकि आप चाह रहे हैं यहाँ पे टोटल को बदलने के लिए, तो टोटल बदला गया, तो इसको हमको टोटल बदलना नहीं है, हेडिंग को ही बदलना है। तो हम लोग को यहां से लेकर के यहां तक सेलेक्ट करना है और उसके बाद शॉर्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद डिसेंडिंग डिसेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये देखिए ऊपर वाला मेरा नहीं चेंज हुआ, ध्यान दीजिएगा, फिर से कर रहे हैं, यहाँ पे जब पूरे को हमने सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, टोटल पलट गया, क्योंकि हम टोटल को पलटा दिए। यहाँ पे आपको टोटल को करना नहीं है, टोटल को ऐसे सेलेक्ट करना है, हम जितना को परिवर्तन करेंगे उतना को ही सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्ट पिक करके डिसेंडिंग पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये क्या होगा आपको सबसे, ये क्या होगा, घटते क्रम में हो गया, तो 95 हो गया, 395, देखिए 395, उसके बाद 355, उसके बाद 275 और 217, ये आपको सीरियल इस तरह से आपको हो गया। तो यानी कि सबसे ज्यादा मार्क किसने लाया, रोहित ने लाया, उसके बाद किसने लाया, मोहन ने लाया, उसके बाद किसने लाया, रमन ने लाया, उसके बाद मोहित ने लाया। तो ये स्पष्ट हो गया किस तरह से हम रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, ये आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें,
अब इसमें एक चीज और होता है, ये सेलेक्ट जब करते हैं तो कुछ चीज हम लोग को ध्यान में देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है इस टेबल में। देखिएगा इस टेबल में यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये टोटल सेलेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं टोटल सेलेक्ट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब हुआ ये तो सेलेक्ट बारी बारी से हो रहा है, हम चाह रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक टोटल सेलेक्ट हो जाए। तो कैसे होगा, तो यहां पर देखिए तीर बना, लेफ्ट बटन को दबाते हुए आगे की ओर खींचते जाना है। तो जैसे आगे खींचते जाइएगा टोटल सेलेक्ट हो जाएगा। जब आपको जरूरत पड़ेगा टोटल के बारे में तो टोटल को भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ यहाँ पे कोई लेटर लिख रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, नहीं तो नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, नया पेज ले लेते हैं। कंट्रोल, देखिए नया पेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, नया पेज लीजिएगा तो इस टेबल के बाद हम नया पेज लेना चाहते हैं तो इसमें क्या करना है आपको, नीचे में कर्सर को रखना है, कहां पे, नीचे में रखना है, देखिए नीचे में रख दिए, और कंट्रोल के साथ देखिएगा यहाँ पे कंट्रोल है, कंट्रोल को दबाना है, और यहाँ पे इंटर को, कंट्रोल के साथ इंटर को जैसे ही दबाइएगा एक नया पेज आपको दे देगा। अब यहाँ पे आपको दो चार पैराग्राफ लिखना है, तो कैसे लिखना है, हम तीन पैराग्राफ लिखना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए, सबसे पहले इक्वल देना है, इक्वल देना है, क्या देना है, इक्वल देना है, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ये तीन पैराग्राफ लिखने के लिए इक्वल देना है, आर ए एन बी दीजिएगा, छोटी कोष्ट को ओपन कीजिएगा, छोटी कोष्ट को बंद कीजिएगा, तो ये तीन पैराग्राफ आपको दे देगा, कितना पैराग्राफ, तीन पैराग्राफ दे दिया जाएगा। देखिए इंटर मारिएगा, जैसे ही तीन पैराग्राफ दे दिया, तीन पैराग्राफ दिया यहाँ पे दे दिया गया है। तो अब इसको हम लोग काम करते हैं कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा होम में सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं, ये आपको देखिएगा बैक, देखिए डिक्रीज इंडेंट है, तो ये डिक्रीज का मतलब लेफ्ट की ओर ले जाना होता है, लेकिन यहाँ पे तो लेफ्ट में है ही, तो लेफ्ट में है, आप कहेंगे लेफ्ट में ले जाइए, कभी जाएगा लेफ्ट में ले जा रहे हैं, जा रहा है नहीं जा रहा है, आप कहेंगे बेंच पे बैठे हुए हैं, आप कहेंगे बेंच पे बैठ जाइए, क्या कीजिएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा, यदि आप खड़े रहिएगा तो कहेंगे बैठ जाइए तो बैठ जाइएगा, लेकिन आप यदि बैठे रहिएगा तो कहेंगे खड़ा हो जाइए तो खड़ा हो जाइएगा, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट में है तो लेफ्ट में कैसे जाएगा, तो यही काम कर रहा है, इससे आपको थोड़ा लेफ्ट में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग राइट करेंगे, तो इसका नाम है इंक्रीज इंडेंट। जैसे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे लेटर कोई चीज टाइप कर लीजिएगा, ठीक है, और टाइप करने के बाद आप लिखते हैं विश्वास भाजन, क्या लिखते हैं नीचे में, लिखते हैं कि विश्वास भाजन नहीं लिखते हैं, जैसे कोई यहाँ पे लेटर लिखे और लिख देते हैं विश्वास भाजन, विश्वास भाजन जैसे ही लिखते हैं तो इस तरह से आप लोग लिख लेते हैं, लिखते हैं कि नहीं, और इसको लिखने के बाद इसको राइट साइड ले जाना चाहते हैं तो ये क्या करना है, इसको इंक्रीज इंडेंट के थ्रू हम लोग क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। तो देखिए इस तरह से आप लोग विश्वास भाजन जो लिखिएगा, जहां पे आप हस्ताक्षर लिखते हैं करते हैं यानी कि सिग्नेचर करते हैं, उसके लिए ये काम किया जाता है, ठीक है। तो ये राइट साइड में हम लेके चले गए, तो जितना हम सेलेक्ट किए थे आपने यहाँ पे लिखा विश्वास भाजन, तो यहाँ पे क्या किए, इसको सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, सेलेक्ट करके इसको राइट साइड में ले जा सकते हैं, लेकिन आपको जब ये यहाँ पे लेफ्ट की ओर ले जाना है तो क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। तो अब जब राइट साइड में आ गया है तो लेफ्ट साइड में कहां से ले जाएंगे, डिक्रीज से ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया इसको सेलेक्ट करने के हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इंक्रीज से यानी कि डिक्रीज से लेफ्ट की ओर ले जा सकते हैं और डिक्रीज से आगे की ओर ले जा सकते हैं, कौन सा अक्षर को, कौन सा वर्ड को, तो जिनको हमने सेलेक्ट किया है वही वर्ड जाएगा, अन्यथा जाएगा ही नहीं, ठीक है। यहां तक आप लोग तो समझ गए। अब आता है यहां पे देखिएगा ऑप्शन आता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, स्पष्ट लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब होता है लाइन या पैराग्राफ में आप स्पेस दे सकते हैं यानी कि जगह दे सकते हैं, कोई दिक्कत है, स्पेस दे सकते हैं यानी कि जगह दे सकते हैं, कोई दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जगह देने के लिए, देखिएगा जगह दे रहे हैं तो जगह हो रहा है क्योंकि ये स्पष्ट लिख रहा है लाइन या पैराग्राफ को में स्पेस दे सकते हैं। तो अब तो आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, सर आपने बताया यहाँ पे सेलेक्ट करके करना है, यहाँ पे तो बिना सेलेक्ट का ही होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ क्या है वो तो आपको ध्यान में देना होगा ना, क्या लिखा हुआ है, लाइन एंड पैराग्राफ, तो ये जो कर्सर है कहां पे है, तो पैराग्राफ के में ही चल रहा है, इसी पैराग्राफ में चल रहा है। तो क्या बोल रहे थे, जब तक हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कोई काम होगा नहीं,
और जब तक कोई भी लाइन या पैराग्राफ पे कर्सर नहीं रहेगा तब पर भी नहीं काम होगा। दोनों मोड में काम होता है, एक तो हम लोग सेलेक्ट करके काम करते हैं या कर्सर के अकॉर्डिंग काम होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, बीच में कर्सर है तो अभी टाइप करेंगे तो कहां पे लिखाना शुरू हो जाएगा, बीच में ना टाइप होना शुरू हो गया, तो ये कर्सर के अकॉर्डिंग हुआ। तो इसीलिए पैराग्राफ जो यहाँ पे दिया हुआ है तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये काम करने लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट भी कर दे रहे हैं और इसके लाइन को हम जब स्पेस दे रहे हैं, ये जो स्पेसिंग इसमें हम जैसे ही दूरी बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूरी बढ़ रहा है, ठीक है। कभी कभी बढ़ाना भी होता है, आप लोग जाइएगा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाइएगा तो आपको वकील सब जो लिख के देंगे तो इतना इतना बड़ा में लिख के देंगे, ऐसा देते हैं कि नहीं, बड़ा बड़ा मतलब इतना इतना दूरी करके देंगे, क्यों दिया जाता है। लेकिन आपने जब किसी ऑफिस में आवेदन देते हैं तो क्या करते हैं, तो छोटा छोटा करके लिख देते, एक ही पना में आपको इतना सब हटा देते हैं, मतलब एक छोटा छोटा करके। तो इससे स्पष्ट है वहां पे होता क्या है, एक तो उसको दूरी बढ़ाया तो कंप्यूटर जो वहां पे सब जो कचहरी सब मेरा बैठा हुआ रहता है तो टोटल पैसा पे काम करता है, तो जैसे ही स्पेस देगा तो उसका पन्ना भरेगा, पन्ना भरेगा तो आपसे पैसा मांगेगा, बात समझ रहे। लेकिन आप खुद से जो काम करते हैं तो वहां पे आप पैसा बचाना चाहते हैं, पन्ना को बचाना चाहते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, स्पेस को घटा देते हैं। तो यहाँ पे कचहरी समय खास करके आप जाइएगा तो बड़ा बड़ा फॉन्ट में लिख के देगा, होने का तीन पन्ना तो हो जाएगा छह पन्ना, तो आपको उसके हिसाब से वो पैसा ले लेता है, ठीक है। ऑफिस में जब जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा फॉन्ट में लिख देते हैं तो स्पेस को ही हम लोग घटा लेते हैं। तो यहाँ पे 1.0 कर दीजिएगा तो छोटा हो गया, हुआ कि नहीं। तो इसको देखिए एक गलत है, इसको स्पेस को घटाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, तो समझ गए। जब आपको लगेगा, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग लिखते हैं, चलिए एक पैराग्राफ यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं, एक पन्ना लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखना है देखिए, फिर आर ए एन डी दे देंगे छोटी कोष्ट को, ओपन करेंगे और यहाँ पे 20 पैराग्राफ दे देते हैं, 20 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको कंट्रोल एल कर दीजिए, लेफ्ट साइड में चले जाएगा, कंट्रोल एल से क्या होता है लेफ्ट साइड में लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये आगे इसलिए भाग गया था, हम यहाँ से आगे कर लिए थे ना, तो इसको हम पीछे कर लेंगे, ठीक है ना, यहाँ से पीछे कर लेना है। उसके बाद हम लोग को लिख देना है आर ए एन डी, ठीक है, छोटी कोष्ट को बंद कर देंगे। अब 20 पैराग्राफ आपको लिखा जाएगा, इतना लिखाया तो इसमें देखिए कितना पेज है, ध्यान दीजिएगा, तीन पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तीन पेज यानी कि 2 of 3 लिखा हुआ, इसका मतलब है 2 नंबर पे कर्सर है और 3 तक पेज है, एक नंबर से तो शुरू हुआ है, एक नंबर से शुरू हुआ जो 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 नंबर पे क्या है, खड़े हैं, यानी कि कर्सर है, 3 पेज तक ही है इसमें टेबल लगा करके, ठीक है। अब टेबल कहने का मतलब हुआ इसको हम 4 पेज करना चाहते हैं, यदि कचहरी में जाइएगा 4 पेज आपको करना होगा, ठीक है। तो यहां पे जाइएगा, इसको ऑल सेलेक्ट करेगा, स्पेस को ही बढ़ा देगा, यहां से कर देगा, चलिए यहां से इतना बड़ा बड़ा कर देंगे, तो कितना हो गया, कितना पेज था, 3 था 6 हो गया, डायरेक्ट 2 हो गया, क्या हो गया, इतना स्पेस दिया जाता है। लेकिन कभी कभी आपको आपको होगा हम 2 ही पेज में निकाल दे, तब क्या कीजिएगा, तब आपको स्पेस पर क्लिक करके रिमूव कर दीजिएगा, या नहीं तो 1.0 कर दीजिएगा। जैसे ही 1.0 कीजिएगा तो यहाँ पे 3 पेज लिखा गया है, 3 पेज में आ गया है, 3 पेज आ गया है, यहाँ पे एक ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक को हटाने के लिए हम लोग को कर्सर को रखना है लास्ट में जहां पे लिखा हुआ है, अब इसके बाद तो लिखा हुआ नहीं है, इसको क्या करना है, कर्सर को कहां पे रखना है, लास्ट में रख देना है, किसके लास्ट में, ये लिखावट के जो आपका पैराग्राफ एंड हो चुका है, इसके बाद तो कुछ है नहीं, पन्ना फालतू का ये ब्लैंक पेज है, तो ये प्रिंट जैसे ही कंट्रोल पी मारिएगा तो ये प्रिंट ब्लैंक वाला भी आ जाएगा, तो ये तो सादा पेज आ जाएगा ना, तो ये आपके लिए दिक्कत होगा। तो इसको हटाना कैसे है, तो लास्ट में रखिएगा कर्सर को और डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिएगा, 1-2 बार कीजिएगा तो ये होता क्या हुआ, स्पेस जो देते हैं स्पेस के कारण ये नया पेज ले लेता है। देखिए स्पेस दे रहे हैं, कुछ समय ऐसा आएगा आपको स्पेस दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो इंटर भी मार दीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किया, जगह ले लिया, जगह को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिलीट मारते हैं, ठीक है, डिलीट मारते हैं। तो ये क्या होता है, डिलीट से ऑप्शन से आप लोग को पिछले क्लास में आप लोग को बता दिए थे, यहाँ पे यदि कर्सर है या यहाँ पे कर्सर है तो ये उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे कर्सर है, डिलीट मारेंगे तो आगे वाला कैरेक्टर क्या होगा, डिलीट होगा, कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब अक्षर, ठीक है ना, आगे वाला डिलीट को मार रहे हैं तो आगे वाला हो रहा है, आगे से हो रहा है, राइट साइड से हो रहा है, लेकिन हम जैसे ही बैक स्पेस दबाते हैं तो ये डायरेक्ट लेफ्ट साइड का मीट रहा है, ठीक है, बैक स्पेस से क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड का मीट रहा है, लेकिन डिलीट को हम दबा रहे हैं तो दाएं साइड का मीट रहा है, समझ गए। तो कर्सर वहीं पे है, कर्सर को कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, कर्सर को चेंज कर रहे हैं,
डिलीट मार रहे हैं तो आगे वाला डिलीट होगा, आगे वाला ऑप्शन, ठीक है, अब बैक स्पेस मारेंगे तो पीछे वाला। तो आप लोग समझ गए होंगे, यदि इस पर अगर आप फॉर्म को नहीं लेना है कभी कभी इस वर्ड को, तो यहाँ पे कर्सर है, तुरंत मार देंगे, ठीक है, इसको दबा के रखेंगे तो फटाफट मिटाते रहेगा। तो ये तो स्पष्ट हो गया किस तरह से हो गया, तो समझ, ये भी समझ गए, और इसको स्पेसिंग को कैसे बढ़ाए घटाए वो भी आप समझ गए। तो ये बहुत जरूरी वाला काम होता है, ये आपको हमेशा काम पड़ेगा, कभी कम करने का, ज्यादा करने का, कभी कभी ऐसा भी लगेगा आपको इतना लिखे हुए हैं, ये लिखने के क्रम में आपको कंट्रोल पी कीजिएगा, तो कंट्रोल पी कीजिएगा तो ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखते हैं बहुत जगह है, तो हम थोड़ा फॉन्ट को ही बड़ा कर लेते हैं, दिखने में और अच्छा लगेगा, हमको दो पेज में लिखना है, कम पे ढाई पेज है तो थोड़ा बड़ा करने के लिए हम बड़ा ही कर देंगे। यदि आपको तीन पेज में हो गया, एक लाइन ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब एक लाइन के लिए हम दो पेज, एक पेज को क्यों बर्बाद कर दें, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस को ही घटा देंगे, तो क्या होगा, उससे मेरा एक पेज का बचत हो जाएगा। समझ गए स्पेसिंग का क्या काम होता है, स्पष्ट हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट। ये ऑल सेलेक्ट करने का मतलब हुआ, जैसे इस पेज में यदि 500 पेज रहेगा तो टोटल सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, ये बताइए। ये 500 इसमें पेज है, इस वर्ड में 500 पेज में आपने टाइप किया, लेकिन कंट्रोल ए करेंगे तो 500 पेज सेलेक्ट होगा या दो ही पेज सेलेक्ट होगा, 500 ही हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। कंट्रोल डी से क्या होता है, इमेज का डुप्लीकेट कर सकते हैं, नहीं तो डायलॉग बॉक्स ला सकते हैं, ठीक है, उसका बॉक्स ला सकते हैं। तो ये शॉर्टकट कमांड आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तब काम होगा फास्ट में, नहीं तो काम नहीं होगा फास्ट में। चलिए यहां तक तो हम लोग सीख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉन्ट में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ क्या दबाए, ए, ए से ऑल सेलेक्ट, सभी का फॉन्ट चेंज होगा। तो यहां पे हम लोग अब चल रहे हैं स्टाइल पे, स्टाइल मिस होता है क्या, यहाँ पे स्टाइल देना है, तो यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट का ये जो है, फॉन्ट का ये जो फॉन्ट है, ये टोटल को डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से परिवर्तन हो रहा है वो भी देख रहे हैं, जैसे आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको, तो ये टोटल क्या हो रहा है, टोटल डिजाइन में परिवर्तन हो रहा है, यही आपको अच्छा लगता है, इसको देखिएगा इस टाइप से हो गया, डिजाइन हो गया। तो ये जो है आपको कंट्रोल ए करने से, ये जो स्टाइल है टोटल, जो भी अंडरलाइन वाला दीजिए, जैसे देना है आपके इच्छा पे डिपेंड पड़ता है कौन सा, ये आपको कर्सिव राइटिंग यानी कि तेरा मेरा लिखना है, तो ये सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है, तो कंट्रोल ए करेंगे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो अच्छा लग रहा है, इस तरह से बड़ा कर दिए, लग रहा है कि नहीं, तो इस तरह से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। फिर कंट्रोल ए करते हैं, यहाँ पे चेंज स्टाइल में जाते हैं, और यहाँ पे देखिएगा फिर यहाँ पे क्या है, स्टाइल से, इसके स्टाइल, किसका स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल, ठीक है ना, इस पे देखिए सबका चेंज हो रहा है। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे फॉन्ट का चेंज किया यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे भी आप परिवर्तन कर सकते हैं फॉन्ट का, लेकिन इसमें बारी बारी से कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो भी करना है ऐसे करके डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर देना है, कोई दिक्कत है। उसके बाद फिर इस पे क्लिक करते हैं, इसके कलर में आप परिवर्तन कर सकते हैं, तो देखिएगा इसमें कलर में परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन है, सेलेक्ट नहीं है, सेलेक्ट है फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये होता क्या है, इस स्टाइल में हम लोग सेप के, सेप का जो कलर लेते हैं वो चेंज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेप का, फॉन्ट पे जाते हैं तो ये भी कलर फिर फॉन्ट का ही होगा, तो फॉन्ट वाला तो काम हो जा रहा है, लेकिन जो सेप वाला काम है वो नहीं हो रहा है, तो सेप लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग, तो इसमें भी वही चीज है, कितना पैराग्राफ में स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा पैराग्राफ स्पेसिंग है, तो इस पे क्लिक किए तो कितना पैराग्राफ को छोड़ सकते हैं, जैसे इधर का कितना छोड़ सकते हैं, ऊपर वाला कितना छोड़ सकते हैं, राइट वाला कितना छोड़ सकते हैं, तो ये पैराग्राफ को छोड़ने का ये चीज है, समझ गए। अब यहाँ पे आ गया पैराग्राफ सेट, यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट, इसका काम क्या होता है, इसमें आपने बहुत सा ढेर सारे चेंजिंग कर दिया, और देखिएगा कभी कभी आप लोग कंप्यूटर में लैब करते होंगे, कोई कुछ बदल देता है, कोई सब ढंग का विद्यार्थी आता है तो वो आपको बदलते रहता है, तो यदि इस तरह का प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ही सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो टोटल रिसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा, क्या होगा, रिसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे एडिटिंग में जाते हैं, एडिटिंग में यहाँ पे हो जाता है फाइंड, फाइंड पे जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ हमको सर्च करना होता है, जैसे खोजना होता है,
जैसे यहाँ पे आलसो को हमको खोजना है, इसमें जब आलसो होगा तो ये सिलेक्ट कर लेगा, जैसे ए एल एसओ। देखिए आलसो लिखे, देखिए जहां जहां आलसो होगा यहाँ पे क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया है। तो ये एडिटिंग में जाइएगा, यहाँ पे फाइंड मिस क्या होता है, फाइंड मिस खोजना होता है, या आप रिजल्ट को खोजिए या आप किसको खोजिए, पीडीएफ में आपको पीडीएफ भी रहेगा, इसको फाइंड मारिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग को पीडीएफ है नहीं, वर्ड है, तो वर्ड के लिए हमको किसको कर रहे हैं, तो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं किसको, वर्ड को ही फाइंड कर रहे हैं, तो फाइंड कर दिए। उसके बाद आता है हम लोग को यहाँ पे रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है क्या होता है, रिप्लेस यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रिप्लेस रिप्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ऑफिस में हमेशा काम पड़ता है, इसका हमेशा काम पड़ता है। क्या काम पड़ता है आप कहिएगा, सर काम क्या पड़ता है, रिप्लेस मींस होता बदलता बदलना। जैसे आप लोग जाते हैं कपड़ा दुकान पे और कपड़ा लेते हैं, ठीक है, और कपड़ा लेके चले आते हैं डेरा पे, या नहीं वहीं पे किसी को दिखाते हैं, कहते हैं कि ये हमको पसंद ही नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा, तो क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे अमेजोन से मंगाते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर रिटर्न मार देते हैं, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। एक होता है रिप्लेस का मतलब हुआ बदलना, तो यहाँ पे वो कपड़ा दिए तो क्या किए, सबसे पहले ये समझना होगा, तो कब बदला दुकानदार ने आपका कपड़ा, कब बदला, जब आपने दूसरा जो लिया था उस कपड़ा को दिया, तब दूसरा कपड़ा लिया, ठीक है। इसी तरह तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई वर्ड मेरा गलत हो जाता है तो उस वर्ड को सही करने के लिए रिप्लेस करते हैं। जैसे कोई वर्ड आल्सो के बदले यहाँ पे योर है, यहाँ पे हमको मान के चलिए योर है, ठीक है, हमको लिखना था यू, लिखा गया क्या योर, तो मेरा तो गलत हो चुका है। तो क्या होता है, रिप्लेस में सबसे पहले जो चीज गलत हो जाता है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्या करना है, जो गलत हो गया उस वर्ड को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रिप्लेस में जाना है, रिप्लेस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिएगा, रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद योर ऑटोमेटिकली यहां पे आ चुका है। क्यों आया, क्योंकि योर को मैंने सेलेक्ट किया, यदि सेलेक्ट नहीं करता तो नहीं आता, आता नहीं आता, तो उसको सेलेक्ट कर दिए तो ये आ गया योर। और यहां पे गलती क्या हो चुका है, योर हो गया, यहां पे होना चाहिए यू, हो गया योर, तो आपको जो सेलेक्ट किए सबसे ऊपर दिए, यानी कि गलती वाला वर्ड को ऊपर कर दिए और जो सही है उसको नीचे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे वाई ओ यू, क्या लिखेंगे यू, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे कैपिटल में लिखेगा तो कैपिटल लिखाएगा, स्मॉल में लिखिएगा स्मॉल लिखेगा, क्योंकि रिप्लेस मींस होता है बदलना, समान चीज को समान चीज से बदल देना, ये होता है, ये नहीं होता है वो कपड़ा तब 500 रुपया में 200 रुपया में कपड़ा ले लीजिए, कहेगा 500 वाला दीजिए, दे देगा दुकानदार, नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, समान यानी कि समानवर्ती, जो अक्षर हमने यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिखा वही यहाँ पे नीचे में रिप्लेस हो जाएगा, बदला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यू को क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, क्या क्या करते हैं, यू को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे यू को लिखने के क्रम में यहाँ पे मिटाना है, वाई को बड़ा लिखेंगे, वाई ओ यू कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वाई ओ यू लिखे तो वाई क्या किए, कैपिटल दिए और बाद बाकी स्मॉल दिए, यदि स्मॉल में ही लिखना है तो आप लोग स्मॉल में ही दे दीजिए वाई ओ यू, तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे योर भी मेरा बीच में है, यू है ना, तो इसीलिए फुल स्टॉप के बाद ही कैपिटल होता है, यही ना, तो यहाँ पे तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कर देना। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, कर्सर को शुरू में रखना है, यहां से चेक करना, ये तो सेलेक्ट कर लिए थे ना किसको चेंज करना, एक को, लेकिन कर्सर को ऐसा नहीं यहाँ पे कर्सर रख दिए, यहाँ पे रिप्लेस किए, ऊपर वाला चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि कर्सर के अनुसार ही चेंज होता है। तो और जो सर्च करेगा तो यहाँ पे कर्सर है, देखिएगा यहाँ पे कर्सर, तो इसे नीचे में आपको चेक करेगा, ठीक है, ऊपर वाला तो चेक करेगा नहीं, ऊपर वाला चेक करेगा नहीं करेगा, तो इसीलिए हम लोग को कर्सर को कहाँ रखना है, सबसे ऊपर रख लेना है, और उसके बाद रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, योर सेलेक्ट हो गया, क्या हुआ, योर सेलेक्ट हुआ, फर्स्ट बार योर सेलेक्ट हुआ, और इसको जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो यू हो गया यहाँ पे, अब नेक्स्ट पे योर पे चल गया, यानी कि कहने का मतलब हुआ अगला पे चल जाना, अपने आप सर्च कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जो बदलाया है, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपको यू आ गया है, फिर आपको रिप्लेस मारिएगा, यहां भी हो जाएगा, देखिएगा ऊपर में यू, यहाँ पे आ गया, यू आ गया कि नहीं, तो स्पष्ट हो गया योर क्या हो रहा है, यू हो रहा है। यदि आपको लगता है इसमें जितना भी रिप्लेस, इसको जैसे रिप्लेस कीजिएगा देख देख के जाइएगा, इसको देखिएगा, इसको रिप्लेस किया फिर यहां पे आ गया, देखते जा रहे हैं क्या होगा ना, योर के बगला में कुछ योर डी लिखा हुआ रहेगा तो डी को छोड़ देगा, क्योंकि डी तो आपने सेलेक्ट किया नहीं, योर तक लिखा, तो ये देख देख के रिप्लेस कर लीजिएगा। नहीं आपको लगता है योर कहीं डी है ये नहीं है
तो डायरेक्ट रिप्लेस ऑल कीजिएगा तो एक ही बार में सभी को चेंज कर देगा। तो रिप्लेस ऑल कीजिएगा, यहां पे 28 यहां पे दिख रहा है 28 वर्ड को इन्होंने रिप्लेस कर दिया सेकेंड रो में। यदि आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई डेटा बनाते हैं और उसमें कुछ गलती हो जाता है तो आप लोग को ढूंढने से अच्छा क्या है, रिप्लेस कर देना है। तो सबसे अच्छा चीज क्या है, रिप्लेस करना। तो रिप्लेस का यदि Amazon Flipkart इतना सक्सेस क्यों हो गया, क्योंकि एक ही चीज है रिप्लेस, कोई भी चीज को लेते हैं रिप्लेस कर देते हैं फ्री में कर देते हैं ना, तो इसीलिए उसको लगता है चलो पसंद होगा तो लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो चीज रिप्लेस आता है वो टाइम को आपको बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस करके आप लोग इस तरह से इसको काम करवा सकते हैं, कोई दिक्कत है, रिप्लेस भी आप लोग को समझ आ गया होगा और प्रैक्टिकल कर लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट से तो आप लोग को बता ही रहे कंट्रोल एम इस क्या होता है और सेलेक्ट, तो उसी तरह सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरे को सेलेक्ट कर देना है। तो इस वर्ड को पूरे को सेलेक्ट करना है तो टोटल को सेलेक्ट कर देगा। देखिए जितना भी पेज होगा टोटल को कर दिया तो कंट्रोल ए से आपको सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, सर हम कंट्रोल ए सीख ही लिए तो यहाँ पे होम में जाकर के हम सेलेक्ट ऑल क्यों सीखे, ये भी क्वेश्चन आप लोग सीख कर सकते हैं। लेकिन होगा क्या, जब आप एग्जाम में जाइएगा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है, किया जाता है, ऑप्शन आपको देगा क्या, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल डी और होम, और होम में जाके सेलेक्ट ऑल। तो आप लोग होम में जाके सेलेक्ट ऑल और उसके बाद दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आप तो ये समझ के आंसर दीजिएगा इनमें से, तुरंत टिक लगा दीजिएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा क्या कंट्रोल ए मींस ऑल सेलेक्ट, लेकिन ये पढ़ा ही नहीं सेलेक्ट ऑल मींस भी सेलेक्ट ऑल ही होता है, मतलब पूरे को सेलेक्ट होना है। लेकिन होम में जाके आपको यहां भी सेलेक्ट ऑल है तो उसको आपने छोड़ दिया, होम मेन्यू को यदि दे दे मेन्यू में तो आप लोग तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंट्रोल ए करके कहिएगा सर तो बताए कंट्रोल ए यहाँ पे हो गया बी, तो यहाँ पे होम में तो होम तो होगा नहीं। आप इस तर्ज पे आप इनमें से क्या टिक लगाइएगा, इनमें से कोई नहीं। इसीलिए डीपली नॉलेज लेना चाहिए, जब देखिएगा एग्जाम और दीजिएगा तो किसी ने आप लोग को बहुत के मुंह से सुनते होंगे 100 मार्क का एग्जाम रहेगा तो एग्जाम दे के आएगा तो कहेगा कि हम 85 मार्क बना के आए, सही बना के आए, दावा करेगा 100% मेरा रिजल्ट आएगा। जब रिजल्ट आता है तो आता है 65 मार्क, कहां उड़ गया, हवा में सब हो गया, वहां पे फेल हो गया, तो वो कहेगा मेरा टीचर ही नंबर काट लिया। वो बात होता नहीं है। क्या होता है, एक क्वेश्चन का कई जवाब होते हैं, ठीक है। आपने तो एक जवाब को सीखा लेकिन दूसरा को सीखा ही नहीं, इसीलिए आपका गलत हो चुका है, बात समझ गए। इसलिए कोई क्वेश्चन, कोई वो MR जो सीट होता है मशीन से चेक होता है, इसीलिए वो गलत करेगा ही नहीं, या तो रंगने में भर दीजिएगा तब गलत हो जाएगा, या नहीं तो आपको क्या कीजिए गलती भरिएगा तब गलत हो जाएगा, यही ना होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें कौन वहां पे जाके बदल देगा, ब्लेड से खर्च के लिख देगा, वो भी फट जाता है तो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वो लिखा हुआ रहता है यथासंभव, ये इसमें गाइडलाइन रहता है ब्लेड का प्रयोग नहीं करे, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करे, नहीं तो आपका आंसर भी नहीं रीड करेगा। तो ये समझ गए ना, तो इसीलिए एग्जाम पास करने के लिए एक क्वेश्चन का हमको एक क्वेश्चन का कई ये जो आंसर होता है उसको पढ़ के रखना चाहिए, तब आपको हो जाएगा। तो ये भी समझ गए सेलेक्ट ऑल मींस क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फिर चलते हैं सेलेक्ट ऑप्शन में, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और कहाँ सेलेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट मींस आप लोग को पिछले क्लास में ही बता चुके थे, पिछले क्लास में ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है, वस्तु, ऑब्जेक्ट मींस क्या होता है वस्तु। यहाँ पे क्या होगा, वस्तु में क्या हो है टेक्स्ट नहीं होगा, तो वस्तु का मतलब होता है कंप्यूटर में कोई भी सेफ होता है या नहीं तो इमेज होता है, ठीक है। इमेज रहेगा सेफ रहेगा तब सेलेक्ट होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कर्सर बन गया है, इसको हटाने के लिए फिर सेलेक्ट पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को ऑल सेलेक्ट करेंगे तो ये कर्सर आएगा, नहीं तो आपका काम भी नहीं करेगा। याद रखिएगा सेलेक्ट पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, कहिएगा सर मेरा कर्सर ऑन चल रहा है, अब इस पे कुछ टाइप कर दीजिएगा तब वो आ जाएगा, नहीं तो आपको माउस पॉइंटर ही बना रहेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो हो रहा है कि नहीं, लेकिन इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा इस ऑप्शन में जैसे ही सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किए तो ये आपको देखिएगा माउस पॉइंटर, देखिए क्या है कर्सर बन रहा है, माउस पॉइंटर ही बना हुआ है, ऐसे करके पॉइंटर बना हुआ है, ये आपको लाठी की तरह नहीं है सीधा नहीं ना है, तो इसका मतलब है वो इफेक्ट डाला हुआ है। इसको तोड़ने के लिए हम लोग को फिर सेलेक्ट में ही जाना पड़ता है, देखिए यहाँ पे पीला टाइप का लगा हुआ है,
इसलिए काम नहीं करेगा कभी कभी। या तो कुछ लिख दीजिए या नहीं तो इस पे जाके सेलेक्ट पे एक बार और क्लिक कर दीजिएगा, हट जाएगा। तो देखिए माउस पॉइंटर हट गया, अब ये आ गया ना ऐसे करके लाठी टाइप का, तो ये हो गया। ठीक है, तो इससे स्पष्ट हो गया क्या, इससे स्पष्ट हो गया सो ऑब्जेक्ट को ही लेना है। चलिए एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको हटाते हैं, हम लोग लेते हैं इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में क्या होता है, लाना। इंसर्ट में क्या होता है, लाना। लाने वाला चीज कोई भी चीज रहेगा, इंसर्ट में जाना है, लाना है। बस कभी कभी ऐसा भी होगा, किस निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेव को लाया जा सकता है, तो लिख देगा होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा मेन्यू, इंसर्ट। जवाब दे दीजिएगा इंसर्ट मेन्यू। तो ये क्वेश्चन आपको बनता है इस तरह से। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, एक शेप ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग शेप ले लिए, शेप लिए, इसका डिजाइन भी हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है ना, डिजाइन को चेंज कर लिए, या अच्छा डिजाइन कोई भी कलर देना चाहते हैं तो कलर भी दे सकते हैं, बॉर्डर वगैरह सब, तो ये रेड कर दीजिए। एक शेप और ले लेते हैं, इंसर्ट में जाना है, और यहाँ पे चौकोर वाला एक शेप है, इसको भी लेंगे और यहाँ पे ऐसे करके दे देंगे, तो ये आपका क्या होगा, बॉर्डर बन जाएगा। नहीं बन गया बॉर्डर, बॉर्डर बन गया। इस तरह से आप लोग को इसको डिजाइन कर लेना है। डिजाइन कैसे करना है, तो इसमें देखिएगा कई प्रकार के ये डिजाइन है, इसको आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, इस पे क्लिक कर दिए, ये डिजाइन आपका बन चुका है। अब हम लोग चलते हैं किसमें, होम में और एडिटिंग में। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे परिवर्तन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि इसका रूल होता है जब हम लोग कोई चीज टेक्स्ट लिखेंगे तो तब पर भी फॉलो करता है। उसके बाद आता है देखिएगा सेलेक्ट टेक्स्ट, और उसके बाद जो भी डेटा रहता है वो उसको भी सेलेक्ट करना होता है, तो उसको टोटल ले लेता है, वो भी ऑल सेलेक्ट से ही आ जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट में सिलेक्शन पेन पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक लिस्ट आता है, और जितना शेप लीजिएगा उतना शेप का यहाँ पे लिस्ट बना हुआ रहेगा। क्या जो शेप है, दो है। कभी कभी क्या होगा ना, हम लोग को चार शेप ले लिए, चार, जैसे इंसर्ट ले लिए, शेप में गए, कुछ और ले लिए, ये गोलाकार वाला ले लिए, और ये लिस्ट रहेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा, ये चल जाएगा आपको नीचे चल जाएगा, यानी कि नीचे में चल गया, अब ये है भी नहीं, ये है नीचे वाला छोटा वाला जो शेप था कहाँ चल गया, अंदर चल गया, अब उसको लाना है। यदि इसको हटाएंगे ऐसे करके तो ये आपको खराब हो जाएगा डिजाइन। तो इसको लाने के लिए हम लोग को कहाँ पे जाना है, होम पे जाना है, और उसके बाद सिलेक्शन में जाना है, और सिलेक्शन पेन पर क्लिक कर देना है, और जो शेप को आपको लाना है, देखिएगा इस पे क्लिक किए तो ये तो शेप लाना है, अब सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सेलेक्ट होगा या तो उठा के इसको ऊपर कर दीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा चेंज करना पड़ेगा कुछ। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं तो ब्रिंग कर लेना है, फॉर्मेट में जाना है, इसको सेलेक्ट करना है, देखिए सेलेक्ट हो गया, फॉर्मेट में जाना है, फॉर्मेट में ब्रिंग कर लेना है। ब्रिंग मींस क्या होता है, ऊपर लाना, ब्रिंग मींस क्या होता है, ऊपर लाना। हालांकि ये सब पढ़ने के लिए है डिटेल में, तो आप लोग को डिटेल में जो पढ़ेंगे तो वहां पे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ढेर सारे चीज पढ़ने के लिए है, इसी तरह पढ़ते जाना है। यदि इस तरह से हम लोग पढ़ते जाएंगे तो न एक टाइम छूटेगा, न आपको कोई दिक्कत होगा। क्वेश्चन आएगा कहां से, जब कोई एग्जाम होगा तो कहां से लाएगा, कंप्यूटर से ही लाएगा, कंप्यूटर का टोटल आप पढ़ ही लिए हैं, तो आपको कभी दिक्कत होगा। अब रट के कोई पढ़ाते हैं, कॉपी को देख के पढ़ाते हैं, लिखा के पढ़ाते हैं, तो आप पढ़ते भी हैं, तो वो तो मेरे समझ से गलत है, क्योंकि जितना आप समझ के पढ़िएगा वो लाइफ टाइम आपके माइंड में फिक्स रहेगा। रट के पढ़िएगा तो मेहमान, तीन दिन का मेहमान है, जैसे मेहमान को लाते हैं तो कैसे खिलाते पिलाते हैं, दो दिन रह जाता है तो बढ़िया से मान स्वागत करते हैं, तीन दिन रहता है तो थोड़ा कम कर देते हैं, चार पांच दिन रह गया आलू चोखा, उसके बाद दस दिन एक महीना रह गया, चलो काहे इसको काम काम नहीं है, बैठे हुए बैठ के खाता है, हो जाता है कि नहीं। तो पढ़ाई लिखाई में भी वही चीज है, यदि रट के पढ़िएगा तो भाग जाएगा, ठीक है, या नहीं तो आपको दिमाग ही भगा देगा। तो इससे अच्छा है समझ के पढ़िए, बहुत अच्छा ही रहेगा। ठीक है, यहां तक रहने दीजिए, आज आप लोग का होम टैब इंड हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पेज कवर, कवर पेज को, उसके ब्लैंक को, पेज ब्रेक को, टेबल को पढ़ेंगे, पिक्चर को पढ़ेंगे, क्लिप आर्ट को पढ़ेंगे, शेप को पढ़ेंगे, स्मार्ट आर्ट को पढ़ेंगे, चार्ट को पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट को पढ़ेंगे। इसी तरह हम लोग बारी बारी से सभी टूल्स को पढ़ते जाएंगे। और टूल्स मींस क्या होता है, ये क्या होता है, टूल्स मींस क्या होता है, औजार होता है, सभी औजार को सीख लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक, धन्यवाद।